मथुरा वृंदावन मार्ग पर एक टेम्पो पलट गया। ये टेम्पो एक खंभे को बचाने के प्रयास में पलटा। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर मौके पर दौड़े लोगों ने किसी तरह टेम्पो में फंसे लोगों को बाहर निकाला। दुर्घटना में टेम्पो में सवार 11 यात्रियों में से 7 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को वृंदावन के जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया। यहां 45 वर्षीय उमा देवी और 22 वर्षीय मनीषा राजपूत के हाथ में फ्रैक्चर बताया है, जबकि करीब 50 वर्षीय उर्मिला देवी के सिर में चोट और एक अन्य वृद्ध महिला के हाथ की उंगलियां टूट गई हैं। हादसे के बाद टेम्पो चालक मौके से फरार हो गया। अड्डा चौकी प्रभारी रोहित कुमार ने बताया कि टेम्पो हिरासत में ले लिया गया है और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राम मिलन सिंह है। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं जिला झांसी से आया हूँ। क्या हुआ है, थाने आया? सर हम यहाँ पे आए थे तो उन्होंने रिपोर्ट लिख ली है। ये लोग ये बोल रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे हम और आगे चल के और भी जो आपकी समस्या। क्या हुआ था, मतलब घटना क्या हुई है? घटना ये हुई कि हम यहाँ से जा रहे थे वृंदावन से और स्टेशन के लिए जा रहे थे जन्मभूमि के लिए। किस वाहन में बैठ के जा रहे थे? ये ऑटो में बैठे हुए थे और ये हो सकता है जो उसका चालक था वो दारू पिया था और उसने जाके सीधे लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, सीधे खम्भे में भिड़ दी गाड़ी। कहाँ आपकी घटना है, कहाँ की दुर्घटना? अहिल्या के आसपास की है। अहिल्यागंज। हाँ। तो कितने लोगों को चोट आई? टेम्पो पलट गया था? हाँ, टेम्पो पूरा पलटा पड़ा हुआ है, वहीं पे पड़ा हुआ है और उसमें लगभग 11 लोग की सीट थी, इसने 16 लोग उसमें बैठा रखे थे। इसकी पूरी पूरी लापरवाही है। कितने लोग घायल हुए? 11 लोगों को चोट आई है। जी क्या नाम है आपका? सुमन देव। कहाँ से आई हैं आप? हम बेटा पार्लर से आए। क्या मतलब मामला हुआ था आज? मेरा वहाँ एक्सीडेंट हो गया। हम लोग काफ़ी लोग घूमने आए थे बेटा पार्लर से, तो वो रास्ते में हम बिंद्रावन से जा रहे थे, अहिल्यागंज के सामने मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो गाड़ी वाला था, वो लापरवाह था, लापरवाही से उसने खंभे में ठोक दी। टेम्पो था क्या था? ऑटो थी और उसमें 11 लोग सवार किए थे। हम लोगों से ज़बरदस्ती बोला नहीं आप लोग बैठो नहीं तो हम गाड़ी नहीं ले जाएंगे, तो हम लोगों को मजबूरन इतने लोग बैठना पड़ा उसमें। रास्ते में उसने खंभे में जब ठोकी तो हमारे 4 लोगों को बहुत ज़्यादा चोट आई और 7 लोगों छोटी छोटी चोट आई। सबका उपचार मायावती हॉस्पिटल में हो रहा है। क्या कहाँ कहाँ चोट आई उनके? उसके इस लड़की की कठिनाई टूटी है मनीषा की, और उर्मिला को सिर में चोट आई है और यहाँ हाथ में भी आई है, और उमा देवी बहुत गंभीर हैं, उनकी आंख पे बहुत ज़्यादा चोट है, वो आंख भी सूज रखी है और हाथ टूट गया है यहाँ पहुँचे पे, और द्रौपदी की उंगली भी पिचल गई है। कितने लोगों की हालत गंभीर है? 4 लोगों की गंभीर हालत है और जो 7 लोग हैं उनको मामूली सी चोटें आई हैं। अब आपने तहरीर दी है? हाँ, शिकायत दी है। हाँ, क्या चाहती हैं आप? हम लोग उन पर कार्रवाई करना चाहते हैं कि ऐसी लापरवाही ना हो, हम लोगों को न्याय मिले। अब लोगों जो घायल हैं उनका इलाज कहाँ चल रहा है? उनका मायावती हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि झांसी हम लोगों को रेफर कर दिया जाए। हम लोग झांसी के हैं, हम लोग गरीब हैं और हम लोग यहाँ इलाज करवाने में असमर्थ भी हैं, क्योंकि हम घूमने आए थे। वैसे जहाँ जो आपका इलाज हो रहा है वो भी सरकारी है, वहाँ पर